अब बीएसएनएल कर्मचारियों ने भी शुरू किया आंदोलन। बीएसएनएल टावरों को प्राइवेट हाथों में देने का शुरू हुआ विरोध। कर्मचारियों ने जताई नाराजगी। देश में बीएसएनएल के 70,000 टावरों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से इन टावरों की सार संभाल के लिए एक सहायक कंपनी बनाई जा रही है। इस बात की खबर से बीएसएनएल कर्मचारियों में नाराजगी पैदा हो गई है। कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के निर्णय का विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से सरकारी खजाने को नुकसान होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों में भी असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। बीएसएनएल यूनियंस और एसोसिएशन के नेतृत्व के आह्वान, राष्ट्रीय आह्वान पर आज हमारा बीएसएनएल के अंदर एक अलग सहायक कंपनी बना रहे हैं मोबाइल टावर कंपनी के नाम से। उसके विरोध के अंदर जो है आज देश भर के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन हो गया। हमारे जो है बीएसएनएल में 70,000 टावर है उनको अलग करके एक सहायक कंपनी के नाम से जो है केंद्रीय कैबिनेट ने निर्णय किया है। इसको जो है भविष्य के अंदर ये जो है बीएसएनएल से अलग भी कर सकते हैं। इससे हमारा जो है रेवेन्यू और बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति जो है बहुत कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए सरकार के इस कदम का जो है विरोध करने के लिए जो है आज प्रदर्शन का देश भर में आयोजन किया गया। और अगर इस पर भी अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो 20 तारीख को जो है सभी केंद्रीय नेताओं की दिल्ली में बैठक होगी और उसके अंदर आगामी आंदोलन की जो है रणनीति तैयार की जाएगी। आनंद सिंह राठौर, जिला सचिव बीएसएनएल।